आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका, यह है इंडिया में। मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। कोरोना काल में इंसानों की उखड़ती सांसें बहुत कुछ कहती हैं। जिंदगी छीनते इस कोरोना के बीच राजनेताओं की पोटली से सिर्फ बयानबाजी निकल रही है। विपक्ष में चल रही कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि आफत के इस वक्त पर राजनीति पार्टियों में क्यों नहीं दिखता आपस में सामंजस्य? जब कोरोना पर सियासत से देश में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, देश की राजनीति का अजब हाल है। सबको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खौफनाक है, लेकिन राज्य और केंद्र स्तर पर इसको लेकर न केवल तालमेल खराब है, बल्कि कोरोना के इस महायुद्ध में सभी अलग अलग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए। इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। ये व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने बजाय देश को कह रहा है घंटी बजा। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसका एक बड़ा कारण यह है कि कोई भी पार्टी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती जो जनता को पसंद ना आए, यानी कड़े फैसले लेने में सबको हिचकिचाहट है। क्योंकि साहब, यह है इंडिया। साल 2020 याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाने का कड़ा फैसला लिया। सभी विपक्षी दलों ने इसका स्वागत किया। सभी का मानना था कि लॉकडाउन जरूरी है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पक्ष और विपक्ष दोनों अलग अलग होने लगे। पहले विपक्ष ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का फैसला राज्य सरकारों के पास होना चाहिए, दिल्ली से बैठकर सभी फैसले नहीं लिए जा सकते। वहीं दूसरा आरोप लगा कि लॉकडाउन की आड़ में सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर दी है। ठीक इसके बीच में कामकाजी लोगों का पलायन दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से हुआ। सरकार पर आरोप लगा कि वो बड़े फैसले बिना किसी विचार विमर्श के करती है। नतीजे ये हुआ कि धीरे धीरे सारे अधिकारों राज्यों के पास जाने लगे। लेकिन कोरोना महामारी में सियासत आज भी हो रही है, ऐसे में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आज के दौर में हम ये इंडिया की बात करें तो शुरुआत कहां से करें। हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, वैक्सीन। लेकिन चलिए पहले सूरत हाल देखते हैं, फिर बात इन सब पर करेंगे। भर्ती कब करवाया था आपने? रात को ही भर्ती कराया, शाम के टाइम में, और हमारे को बॉडी नहीं मिल रही है। सर, हॉस्पिटल से ये बताया जा रहा है कि कोई मैम करके है, उनका उनसे बात कराई है, उनका नंबर हमारे पास होता नहीं है। और गाड़ी ये तो लड़ने को तैयार है, गाड़ी यहाँ से ले जाओ, कहाँ ले जाएँ बताओ गाड़ी। पेशेंट सीरियस है ऑक्सीजन पे, मरीजों के लिए ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, मगर लोग बाबू अब कुछ कर नहीं पा रहे डॉक्टर लोग। 1000 हो जाएगा, हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला है। एम्बुलेंस वाले जी सर, ऑक्सीजन हमारी खत्म होने वाली है और पेशेंट अंदर ले नहीं रहे, कहाँ ले जाएंगे इसे? बताइए सर, ये समस्या चल रही सारी ऑक्सीजन की। तो देखने में तो ये इंडिया है, लेकिन अस्पताल में जूझते मरीज इंडिया के इस तस्वीर को राजनीति के साए में धूमिल करती है। कतार में खड़े इनमें कोई दवाई तो कोई वैक्सीन के लिए खड़ा लड़ रहा है।
इन सब के बीच में अगर बात करें पल्ला झाड़ने वाले नेताओं की, तो वो घर पर बैठकर ट्विटर खेल रहे हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपने घर बैठकर सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जनता को ये बता देते हैं कि देखो, मैंने भारत सरकार से ये सब कहा और मांगा, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या इससे इन राजनेताओं की जिम्मेदारी खत्म हो गई क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फ़ोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया। ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे, इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8500 केस पीक पे आए थे, हम 24000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, दिल्ली केंद्र सरकार के लगभग 10000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। जैसे अगर मैं बताऊं, जो मेन ऑल इंडिया मेडिकल है उसमें 1162 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 23 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसमें 2900 बेड्स हैं टोटल, उसमें से केवल 204 बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। तो मेरा एक उनसे निवेदन था कि कम से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए अगर रिजर्व, तो एकदम से 3-4 हज़ार बेड्स एक्स्ट्रा कोरोना के मरीजों को मिल सकते हैं, और उसी तरह से आईसीयू के अंदर भी बेड्स दिए जाएं। दूसरा, उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा, मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद मिलेगी। इस पर हमारी न्यूज़वर्ल्ड इंडिया की सलाह कि आप ट्वीट ना खेलें। जो पार्टी फंड आप चुनाव के दौरान दोनों हाथों से लुटाते हो, उसे जनता की सेवा में लगाएं, क्योंकि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। अब आपको चाहिए कि आप एक साथ मिलकर केंद्र सरकार का साथ दें, जिससे कि ऐसी वैश्विक महामारी से निपटा जा सके। दिल्ली सरकार के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की दूसरी सलाह, जो सब्सिडी जैसी फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, फ्री ट्रेन आप जो देते हो, इसे बंद कीजिए, फिलहाल तो बंद कीजिए। जनता को अगर देना है तो उन्हें जीवन रक्षक सुविधाएं दो, उन्हें अस्पताल दो, दवाइयां दो। अगर जिंदा रहे ना साहब, तो आपके बिजली पानी का बिल तो वो खुद ही भर देंगे। आप अपनी पार्टी को एकजुट कर केंद्र सरकार के साथ खड़े हों, जिससे आप लोगों का राष्ट्र धर्म तो दिखाई दे, ना सिर्फ सियासत। क्योंकि अगर आज दिल्ली में अस्पतालों की दशा सुधर जाती तो शायद आज लोग इलाज के अभाव में सड़क पर दम न तोड़ते। ऐसे में अच्छा यही होगा कि कोरोना के खिलाफ सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि सभी को पता है देश के राष्ट्रीय एकता खतरे में है। सब दल अपने मतभेद छोड़कर देश के लिए काम करते हैं, लेकिन कोरोना के समय भारत में ऐसा हुआ नहीं, या आपदा के वक्त मतभेद ही नहीं बल्कि विश्वास की भी बेहद कमी दिखाई दी। जबकि महामारी के वक्त के इस छोर पर सभी दलों को अपने मतभेद एक तरफ रखकर कोरोना को हराने के लिए काम करना चाहिए था। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती कोरोना योद्धाओं के लिए। तो आज यह है इंडिया में बस इतना ही। नमस्कार।